हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड नंबर 2 पे। और आज के एपिसोड का जो टॉपिक है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़े हुए प्रोविजंस पे बात करेंगे। ये जैसा कि मैंने आपको बोला एपिसोड 2 है, इससे पहले एपिसोड 1 में हम लोग गवर्नर से जुड़े हुए हर एक प्रोविजंस पे विथ रिलेवेंट केस लॉज बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किया है तो आपको उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पर क्लिक करो और उस लेक्चर को जरूर देखो। आज हम लोग मूलतः बात करेंगे एक आर्टिकल पे, और ये आर्टिकल देखने में संविधान आप खोलोगे और देखोगे तो इसमें सिर्फ 3 क्लॉज दिखेगा। आर्टिकल 163 का हम बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा हुआ। जनरली 2 आर्टिकल देखना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, वो है 163 एंड 164 विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। और जब हम लोग सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कौन कौन सा आर्टिकल देखना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए सेंटर का, तो वो है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। लेकिन आर्टिकल 163 में और आर्टिकल 74 में अंतर है, कुछ पॉइंट पे अंतर है। वो अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और आपका इस लेक्चर के खत्म होने के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा हुआ एक एक पहलू पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको रिलेवेंट केस लॉज भी बताऊंगा, तो लेक्चर्स के अंत तक आप बने रहो। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग प्रोविजनली समझते हैं क्या कहता है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, देखो लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। मतलब प्रत्येक राज्य में क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, मंत्रिमंडल जिसको कहते हैं, और उस मंत्रिमंडल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होंगे वो होंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर होंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे ही गवर्नर अपना कार्य करेगा। गवर्नर का जो भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए जनरल रूल, उस पावर को गवर्नर एक्सरसाइज करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे, दिशा निर्देश पे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टेट। और वही दूसरी उसको आप कंपेयर करोगे आर्टिकल 74 से क्लॉज 1, तो वहां पे प्रेसिडेंट वही करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर का कहता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर के जो होते हैं उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो हम लोग स्टेट्स पे ही कंसर्निंग रहते हैं, ये तो जनरल रूल हुआ। लेकिन अब आप बात करोगे कि क्या ऐसा कोई भी प्रोविजन है, ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है कि गवर्नर का जो मन करेगा वो कर सकते हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए क्या गवर्नर को यह पावर है कि वो अपने डिस्क्रिशन पे कुछ कर सके, अपने पावर का एक्सरसाइज डिस्क्रिशन पे करे, ऐसा क्या कोई सर्कमस्टांसेस है जिसका जिक्र संविधान में किया गया है। तो अब यहां पे अगर आप आर्टिकल 163 क्लॉज 1 के आगे के प्रोविजंस को देखोगे तो कहता है कि उस मैटर पे गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई एड एडवाइस नहीं चाहिए जो मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन पे आता है, स्वविवेक के क्षेत्राधिकार पे आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा कौन कौन सा विषय है, मैटर है, जिस मैटर पे गवर्नर अपने शक्ति को एक्सरसाइज करेगा इसके लिए वो सलाह मशवरा नहीं लेगा या बाध्य नहीं है सलाह मशवरा लेने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर पे फोर्स कर रहे हैं कि आप उस मैटर पर जब अपने पावर को इस्तेमाल करोगे तो मेरे सलाह मशवरा के अनुसार ही करना है। तो वो मैटर क्या है, कौन कौन सा मैटर है जो डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनो और इसको राइट डाउन कर लो। क्योंकि मैं आपको हर वक्त बोलता हूं कि जब भी आप लेक्चर्स को देखो अपने पास नोटबुक जरूर रखो, और हो सके तो बेरक भी रख लो, जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैटर पे हम लोग डिस्कस करें उसका बेरक जरूर रखो, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन का बेरक आप रख लो। देखो कौन कौन सा मैटर है जो डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है गवर्नर का। पहला अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, यहां राइट डाउन किया हुआ है, आप हूबहू लिख लो। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम,
राज्य में चुनाव हुआ आम चुनाव, और उस चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं आया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुमत में नहीं है कि वो सरकार को बना सके, सरकार का निर्माण कर सके, गवर्नमेंट को फॉर्म करे। तो इस हालात में गवर्नर अपने स्वविवेक का शक्ति को एक्सरसाइज करके इस्तेमाल करते हुए ये तय कर सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनेगा। मतलब नेता पहले किसको जाना चाहिए, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको, या जो यूनाइटेड फ्रंट है, दैट मींस बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस यूनाइटेड फ्रंट के जो लीडर है उसको मौका मिलना चाहिए सरकार को फॉर्म करने का या बहुमत साबित करने का। तो इस केस में गवर्नर अपने स्वविवेक पे काम करते हैं, और इस मामले में गवर्नर को उस वक्त के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनसे सलाह मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक मामला, दूसरा केस देखो, डिसमिसिंग द मिनिस्ट्री, मतलब कि अगर जो सरकार राज्य में बनी है अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का बहुत सारा सदस्य उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाए तो उस पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नर है उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो गठित सरकार है उसको डिसमिस कर देगी, खत्म कर देगी। यह पूछने नहीं जाएगी कि क्या आपके उस पॉलिटिकल पार्टी से, दैट मीन उस वक्त के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से और चीफ मिनिस्टर से, जो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है, उससे सलाह मशवरा लेने नहीं जाएगी कि क्या आपकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया जाए। नहीं, वो अपने गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेगी और मिनिस्ट्री को, दैट इज गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगी। ये दूसरा सिचुएशन हुआ। तीसरा सिचुएशन देखो क्या कहता है, डिसॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मान लो कि किसी भी जिस पॉलिटिकल पार्टी की राज्य में सरकार थी उस पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत नहीं रहा, और अब ऐसा दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका बहुमत हो सकता है, जो एक स्टेबल गवर्नमेंट का निर्माण कर सकता है, ऐसा और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इस सिचुएशन में गवर्नर क्या करेगी, इस सिचुएशन में गवर्नर क्या करेगी, विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर देगी। और इस चीज को करने के लिए, विधानसभा को भंग करने के लिए, गवर्नर उस वक्त के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से राय मशवरा लेने नहीं जाएगी। ये मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन में आता है। इसलिए चौथा सर्कमस्टांस, चौथा मामला है कि राज्य में इमरजेंसी लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मतलब यहां पे आप देखो आर्टिकल 356 के अनुसार गवर्नर को लगा कि ऐसा सर्कमस्टांस एग्जिस्ट हो रहा है जिससे यह प्रतीत हो रहा है गवर्नर को कि राज्य में जो सरकार है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल सकती है। तो इस सिचुएशन में गवर्नर एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि आप राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा दो, और ऐसा करने के लिए गवर्नर बाध्य नहीं है कि वो राय मशवरा करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो ये चौथा केस है, चौथा सर्कमस्टांसेस है जब गवर्नर अपने स्वविवेक के पावर को, डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करके डिसीजन ले सकती है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इंटरफेरेंस के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको लिख लेना चाहिए। अब आता है इससे जुड़ा हुआ, मतलब गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको लिख लेना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला केस है मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, यहां लिखा हुआ है आप इसे राइट डाउन करो, मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया कि अगर किसी भी मिनिस्टर पे कानूनी कार्रवाई होना है एज पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उस मिनिस्टर पे कानूनी कार्रवाई होगा इस बात के लिए एडवाइस देने गवर्नर नहीं जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, वो निर्देश दे देगा, परमिशन ग्रांट कर देगा कि जो करप्शन का दोषी पाया गया है मिनिस्टर, उस मिनिस्टर पे कार्रवाई हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार। और ये निर्देश गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए देगा।
तो ये एक पॉइंट है, रिलेवेंट केस लॉ है, डिस्क्रिशनरी पावर से जुड़ा हुआ गवर्नर का। दूसरा केस लॉ जो इंपॉर्टेंट है वो है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो राज्य के हो चाहे वो केंद्र के हो, मिनिस्टर्स पब्लिक सर्वेंट है एज पर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। ये दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। और तीसरा भी आप लोग लिख लो, जो है सुनील कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सुनील कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का एक्सरसाइज तभी कर सकता है जब वो पावर संविधान में बताया गया है, संविधान के द्वारा गवर्नर को मिला है। तो ये हो गया गवर्नर के डिस्क्रिप्टिव पावर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस। बात करें अगर हम लोग आर्टिकल 163 क्लॉज 2 का, तो देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 163 क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है कि किन किन विषयों पे गवर्नर को डिस्क्रिप्टिव पावर है, उस मैटर को, उस विषय को तय करने का अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नर के पास है। और गवर्नर का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय अंतिम होगा। और गवर्नर, दूसरा नंबर पॉइंट जो कहता है क्लॉज 2 163 आर्टिकल का, कि गवर्नर ने जो कुछ भी किया अपने डिस्क्रिशनरी पावर के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, या अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए जो कुछ भी किया गवर्नर ने, उन कार्यों पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। यह है दूसरा पॉइंट क्लॉज 2 से, यह है आर्टिकल 163 का क्लॉज 2। अब यहां पर एक पॉइंट आप लोग नोट कर लो कि संविधान में गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, स्वविवेक का शक्ति गवर्नर के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई भी स्वविवेक का पावर, स्वविवेक का शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास संविधान के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लॉज 3 पे। क्लॉज 3 कहता है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एडवाइस दिया, कि गवर्नर अपने पावर को इस्तेमाल करेगा एज अ जनरल रूल एज पर आर्टिकल 163 क्लॉज 1, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे, जो भी एडवाइस देंगे। तो क्लॉज 3 कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी एडवाइस दिया है गवर्नर को, क्या एडवाइस दिया है, वो एडवाइस सही है या गलत है, इस पॉइंट पे सवाल कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है। जो भी एडवाइस दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर को, उस विषय पे कोई सवाल कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है। वो एडवाइस जो टेंडर हुआ है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आता है। ये है क्लॉज 3 आर्टिकल 163 का। तो दोस्तों, अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में डिस्कस किया आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, स्पेसिफिकली जो आर्टिकल डील करता है वो समझे। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 164 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 164 से जो है वो रिलेवेंट केस लॉस भी बताऊंगा। तो आप बने रहें इस सीरीज के साथ। अंततः मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप लेक्चर को लाइक जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करो। और अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यह समझना है कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी करना है, और सेल्फ स्टडी के दम पे कैसे जुडिशियल एग्जाम को क्रैक करना है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, एडवाइस दूंगा आपको मैं। आप अगर किसी केस में फंसे हुए हो तो आपको एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, आप मुझे फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करना और फॉलो जरूर करना। तो दोस्तों, आज लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक मासद बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।